देवराज इंद्र की ये बात सुनकर रंभा अपना आकर्षक रूप बनाकर महर्षि विश्वामित्र जी को लुभाने जा पहुंची। तपस्या करते हुए विश्वामित्र जी की जब आंख खुली तो उन्होंने रंभा को अपने सामने खड़ा पाया। रंभा का गीत सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी को इंद्र का ये सारा कुचक्र समझ में आ गया। तब उन्होंने क्रोध में आकर रंभा को श्राप देते हुए ये कहा कि मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभा रही है, अतः इस श्राप के कारण तू 10 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी और श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी तेरा उद्धार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र जी के श्राप से रंभा तुरंत ही पत्थर की बन गई थी। ये देखकर रंभा के साथ आए हुए कामदेव और इंद्र जो छिप कर सब कुछ देख रहे थे वहां से भाग खड़े हुए। रंभा को क्रोध में श्राप देने के बाद महर्षि विश्वामित्र को उस बात का बड़ा रोष हुआ कि वह अपने गुस्से पर संयम ना रख सके। इस कारण उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि उस क्रोध के करने से विश्वामित्र जी की तपस्या भंग हो चुकी थी। तब विश्वामित्र जी ने ये निर्णय किया कि जब तक उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिल जाता है तब तक वह ना तो क्रोध करेंगे ना ही किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलेंगे और सिर्फ सांस लेकर अपने शरीर को सुखा डालेंगे। ये निर्णय करके विश्वामित्र ने उत्तर दिशा को त्याग दिया और पूर्व दिशा को चले गए। पूर्व दिशा में आकर महर्षि विश्वामित्र बिना कुछ खाए पिए सांस रोककर खड़े हो गए थे। 1000 वर्षों तक तपस्या करने की दीक्षा ग्रहण करके पुनः अपनी तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी जब अन्न ग्रहण करने चले तो देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का वेश रखकर उनके सामने आए और उनसे उनके अन्न की याचना कर दी। तब महर्षि ने अपना सारा अन्न उन्हें दे दिया और बिना खाए पिए पुनः अपने तप में लग गए। महर्षि विश्वामित्र ने 1 साल तक सांस नहीं ली थी, इस कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा था जिससे सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई थी, समुद्र शुद्ध हो गए थे, धरती डगमगाने लगी थी और तीनों लोक के प्राणी भयभीत होने लगे थे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि अगर विश्वामित्र जी को उनकी मनचाही पदवी ना दी गई तो तीनों लोकों के प्राणियों का नाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विश्वामित्र जी के पास आए और उनसे कहा कि ब्रह्म ऋषि, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है और साथ ही मैं तुम्हें दीर्घ आयु प्रदान करता हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी से ब्रह्मत्व और दीर्घ आयु का वरदान पाने के बाद विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि आपकी कृपा से मुझे ब्रह्मत्व और दीर्घ आयु की प्राप्ति हो गई है तो ओमकार वष्टकार चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें और स्वयं वशिष्ठ जी आकर मुझसे कहें कि तुम ब्राह्मण हो गए हो तो मैं समझूंगा मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है, उसके बाद ही आप सभी देवता यहाँ से जा सकते हैं। विश्वामित्र जी की ये बात सुनकर सभी देवताओं ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के पास जाकर उनसे विनती की तथा उन्हें विश्वामित्र जी की सारी बात बता दी। देवताओं की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के पास आए और उन्होंने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र जी का ब्राह्मण होना स्वीकार कर लिया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी की इस विनम्रता को देखकर ब्रह्म ऋषि का पद पाने वाले विश्वामित्र जी ने अपने सारे बैर भुलाकर उनसे मित्रता कर ली थी। रामम नमः।